माइक चालू है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और क्लास अपने अच्छे से ले रहे होंगे। चलिए, हम फिर आज लाइव हुए हैं एक पैसेज के साथ। और ये जो पैसेज है द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने लिया है। और देखिए आप, ये 30th of November मतलब आज का ही है, द हिंदू में ये आया हुआ है। सूरत केमिकल फैक्ट्री फायर की हम बात करने वाले हैं आज। और एक एक छोटा सा एक घटना घटी है, उस घटना की हम आज बात करने वाले हैं। आइए, कुछ बच्चे लाइव हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अयान, अयान का कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। और हम अपना शुरू करते हैं आज का पैसेज। और मैं ये लाइव सेशन जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये आपके लिए हमेशा लाभकारी रहेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप इनको पढ़ेंगे जब भी आपको अच्छा लगेगा। और आपको ये महसूस होगा कि हम जब भी बात कर रहे हैं लाइव पैसेज की, वॉकेब्स की क्लास की या अन्य कोई हम बात करते हैं, तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि जो सेशंस में कराया जा रहा है उससे हम अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं और जो भी हमारा एम है उसे बहुत जल्दी प्राप्त कर लें। इन सेशंस के माध्यम से हमारी इंग्लिश के जो भी डाउट्स हैं, इंग्लिश में हमें जो भी परेशानी है, वो कई हद तक हल हो जाए। तो आइए देखते हैं, एक मैंने बहुत छोटा सा सरल सा पैसेज रखा है आज, जिसकी वॉकेब भी कम है। मैं हमेशा वॉकेब लिखा देता हूं, लेकिन मैं यहां आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। हाँ, मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों तक ठीक पहुंच रहा है? एक बार पहुंच रहा हो तो आप यस लिखकर भेज दे, जिससे मैं इस सेशन को शुरू करूं। देखिए, सूरत केमिकल फैक्ट्री फायर, 7 workers किल्ड, 24 injured। ये सूरत केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है जहां 7 workers मारे गए हैं और जो 24 workers हैं, ये बेटा क्या हुए हैं? इंजर्ड हुए हैं। क्या हुए हैं? इंजर्ड हुए हैं। ये देखिए, एक ये पिक्चर है जो हम देख रहे हैं। स्मोक एंड फ्लेम ब्लोज, क्या मतलब होता है ब्लोज का? जब हम ब्लोज की बात करते हैं, इसका मतलब है लहराना, तरंगे निकलना। तो धुएं और आग की लपटें निकली हैं फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्री इन द सचिन GIDC एरिया। कहां से? केमिकल फैक्ट्री से, जो कहां पर स्थित है? सचिन GIDC एरिया में। वेयर द फायर ब्रोक आउट, जहां आग एकदम से भड़की है। ब्रोक आउट का मतलब होता है कहीं से तुरंत भाग जाना या भड़कना। तो आग जहां से भड़की है इन सूरत, ये कहां पर हुआ है? सूरत में, जो गुजरात में है। कब हुआ? वेनसडे नवंबर 29, 2023 में। नवंबर 29, 2003 की ये हमारी एक जानकारी है। आइए फिर देखते हैं हम, द फायर ब्रोक आउट। आप देखिए, एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, द फायर ब्रोक आउट, आग भड़की है एट द केमिकल प्लांट। कहां पर? देखिए, एट फिर एक प्लेस को बता रहा है, केमिकल प्लांट में इन सूरत। सूरत एक बड़ी जगह है, इनका प्रयोग किया जाएगा सूरत में। एट अराउंड 2 AM, इस समय को बताता है, एट प्रपोजिशन टाइम के लिए भी होता है। एट अराउंड लगभग लगभग 2 बजे सुबह ऑन नवंबर 29, 2023, नवंबर 29, 2023 की बात है। फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन, क्या हुआ? इसको फॉलो किया, एक विस्फोट हुआ।
इन अ लार्ज टैंक, कहां पर हुआ है, एक बहुत बड़ा टैंक था उसमें, आफ्टर लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल केमिकल्स स्टोर्ड इन इट, उसमें क्या था, एक जो टैंक था उसमें इनफ्लेमेबल केमिकल्स रखे हुए थे उनका लीकेज। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलंतशील, जो ज्वलनशील केमिकल उसमें स्टोर थे वो पहले लीक हुए फिर एक विस्फोट हुआ है, ऐसा पैसेज हमें बता रहा है। इस पैसेज से, लीकेज ऑफ केमिकल से मुझे एक मूवी याद आ रही है, एक वेब सीरीज है, आप देखिएगा जरूर, द रेलवे मैन। रेलवे मैन भोपाल गैस ट्रेजेडी पर है, एक बहुत शानदार वेब सीरीज है, आप उसे देखिए और जो आप देखेंगे तो उससे कनेक्ट होंगे वेब सीरीज से, भोपाल गैस ट्रेजेडी से, और क्या छोटी छोटी कमियां रही थी उस वक्त, ये सब हमें जानकारी में आएंगे। देखिए हम यहां तक बात हो गई हमारी, ये हमारी हेडिंग थी, मैं एक एक लाइन को एक एक शब्द को आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं जिससे बेटा आपको कोई परेशानी ना हो और आप और हम बहुत अच्छे से इसका ट्रांसलेशन कर पाए। अ मैसिव ब्लास्ट, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा विस्फोट हुआ इन स्टोरेज टैंक, पहले गैस लीक हुई फिर विस्फोट हुआ, एंड सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक के बाद एक, फायर इन अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन सूरत, फिर क्या हुआ लगातार एक के बाद एक फायर, आग लग गई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में इन सूरत, जो सूरत में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री थी उसमें, किल्ड 7 वर्कर्स, बताइए भैया 7 वर्कर्स मारे गए, बड़ी दुखद घटना है, हुज बॉडीज वर रिकवर्ड, उनके शरीरों को रिकवर किया गया फ्रॉम द प्रेमाइसेस, प्रेमाइस का मतलब होता है उस जगह से, इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे, मतलब आज सुबह जल्दी उन बॉडीज को निकाला गया, नवंबर 30 ऑफिशियल सेड, ये जानकारी ऑफिशियल्स के माध्यम से मिली है, क्लियर है। आइए, अकॉर्डिंग टू सूरत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयुष योग, आयुष योग जो कलेक्टर हैं सूरत के, आउट ऑफ द 7 पर्सन, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ द 7 पर्सन 7 पर्सन फाउंड डेड एट द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आइथर इंडस्ट्री लिमिटेड इन सचिन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी, जो सचिन इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी आइथर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उससे 7 लोग मृत पाए गए हैं। वन वॉज एन एम्प्लॉय, एक उसमें एम्प्लॉय है और कंपनी का, ऑफ द कंपनी का एक काम करने वाला है, वाइल 6 अदर्स वर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, और जो 6 थे वो बेटा संविदा पे काम कर रहे थे, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स का मतलब टेम्परेरी, तो टेम्परेरी वर्कर्स कितने मारे गए बेचारे 6, ये 6 वर्कर्स को तो शायद कुछ दिया भी ना जाए, हर जाना भी ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं कंपनी उन्हें कम फेवर करती, तो ईश्वर ऐसा ना करे किसी के साथ, ऐसी घटनाएं लगातार हो ही रही हैं, हो ही जाती हैं थोड़ी सी लापरवाही के कारण। ड्यूरिंग अ सर्च ऑपरेशन इन द फैक्ट्री प्रमाइसेस, वो क्या फैक्ट्री प्रमाइसेस में, फैक्ट्री की जगह में जो सर्च ऑपरेशन चला, खोजबीन के लिए जो एक ऑपरेशन चला, ऑफिशियल्स फाउंड बॉडी ऑफ 7 वर्कर्स, देखिए 7 लोगों की वहां बॉडी मिली, हु वेंट मिसिंग आफ्टर द फायर, फायर के बाद जो मिस हो गए थे, विच एनकल्ड द प्लांट ऑन वेनसडे, बताइए कौन सी फायर के बाद जिसने प्लांट को निगल लिया था, कब, वेनसडे को, वेनसडे को जो फायर थी उसने प्लांट को पूरा लपेट लिया, अपने में ले लिया, एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ का मतलब निगलना, उसमें क्या हुआ कि 7 वर्कर्स की बॉडी मिली है, मिसिंग हो गए थे, उधर उधर आग लगी होगी तो इधर उधर भागे होंगे बचाने के लिए अपने आप को, सफोकेशन से भी मर सकते, जल कर भी मर सकते हैं। देखिए The disease have been identified. Disease का मतलब मृतक, मृतक को बताइए कैसे identify किया गया है, किस रूप में उनको identify किया गया है, ये देखते हैं, देखते हैं, देखिए The disease have been identified. मृतक को identify किया गया है as दिवेश पटेल, उसका नाम है जो कंपनी का एम्प्लॉय, संतोष विश्वकर्मा, सनत कुमार मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, गणेश प्रसाद, सुनील कुमार और अभिषेक सिंह, ये 7 लोग हैं जो मृतक हैं। 2 dozen पीपल व इंजर्ड, बताइए 2 dozen मतलब 24 लोग इंजर्ड हैं। द कलेक्टर सैड 24 पीपल हु वर इंजर्ड इन द इंसिडेंट, इस घटना में आर करेंटली रिसीविंग ट्रीटमेंट इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, कलेक्टर ने कहा है जो 24 लोग इस घटना में इंजर्ड हुए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स से
करेंटली इस वक्त अलग अलग हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। द फायर ब्रोक आउट एट द केमिकल प्लांट एट अराउंड 2, बताइए 2 बजे फायर हुई वेनसडे को फॉलोइंग एन एक्सप्लोजन इन अ लार्ज टैंक। ये तो मैंने अभी पढ़ा दिया, मतलब वही हेडिंग को यहाँ पर कवर किया गया कि एक्सप्लोजन हुआ लार्ज टैंक में लीकेज के बाद। एज मैनी एज 15 टेंडर्स वर एंगेज इन द फायर फाइटिंग ऑपरेशन, बताइए 15 टेंडर्स को इन्वॉल्व किया गया फायर फाइटिंग ऑपरेशन। जब आग लगी तो 15 बल उसमें लगे, विच वेंट ऑन फॉर 9 आवर्स टू ब्रिंग, जिसे 9 घंटे लग गए। कितनी भयंकर आग थी, 9 घंटे लग गए टू द ब्रिंग द ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है भड़काना, आग जब निकलती है तो उसे ब्लेज कहते हैं। ब्रिंग द ब्लेज अंडर कंट्रोल, जो आग भड़की थी उसे नियंत्रण पाने के लिए 9 घंटे लग गए। कितने? 9 घंटे। इन द स्टेटमेंट डेटेड November 29, 29 तारीख का एक कथन है, सबमिटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट हुआ, द कंपनी सेड, कंपनी ने इसको क्या कहा है, वी हियर वाई इन्फॉर्म दैट एन इंसिडेंट ऑफ फायर वॉज रिपोर्टेड एट मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द कंपनी एट प्लॉट नंबर इतना GI सच इज सूरत टुडे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 1। ये सब चीज़ें उन्होंने क्या कहाँ सबमिट की हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने सेट एक स्टेटमेंट में ये सब कहा गया है। तो ये छोटा सा पैसेज मैंने आपको बताया, इसमें कुछ ज़्यादा वॉकेब्स नहीं थी, एक सरलता से हमें चीज़ें पता चल जाए, सरलता से हम चीज़ों को पढ़ लें, इसलिए हमने इस पैसेज को आपको करा है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ने की कोशिश करिए, इस कोशिश से आपके जो रीडिंग स्किल्स है, कंप्रहेंशन स्किल्स है, वो अच्छी होंगी, और इन्हें अच्छा करके हम अपनी इंग्लिश को कंपटीशन के लिए बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आगे नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।